चलिए जी, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस में। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए सेक्शन 17 पास शुरू करते हैं। तो सेक्शन 17 पास की कहानी जरा समझना। सेक्शन 17 पास के लोगों को बहुत नोटिस आ रहे हैं, वो नोटिस क्यों आ रहे हैं जरा इस चीज़ को भी समझना। 17 पास की हिस्ट्री भी समझना, ये 17 पास था क्यों, क्यों लाया गया। देखो पहले इस चीज़ को समझना, गवर्नमेंट ना बहुत क्लियर है, गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत क्लियर है। ठीक है, अजय घोष म्यूट कर लो अपने आपको, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, अजय घोष म्यूट कर लो अपने आपको। ठीक है, 17 पास की कहानी ना इनकम टैक्स से थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड लेकर चलता हूँ। इनकम टैक्स अगर आप में से कुछ लोगों ने कभी किया होगा तो इनकम टैक्स में ना एक कंसेप्ट हुआ करता था, इनकम टैक्स का कंसेप्ट क्या था कि भाई अगर आपके कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर है आप उसे P&L में डालो, वो अलाउ हो जाएंगे, मतलब इनकम में से घट जाएंगे और रिमेनिंग पे टैक्स दे देना। लेकिन अगर आपके कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो भाई वो बिज़नेस P&L में अगर डालोगे तो वो डिसअलाउ हो जाएंगे। ठीक है ना, आपने खर्चा डाल भी दिया तो असेसिंग ऑफिसर चेक करेगा और अगर उसे लगता है वो डिसअलाउ है तो बाद में वो डिमांड कर देगा। तो इनकम टैक्स के अंदर क्या है, अगर आपने कभी फील किया हो, जिन लोगों ने इनकम टैक्स की कभी बैलेंस शीट बनाई है, बहुत लोग क्या करते हैं अपनी इच्छा से डिसअलाउ ही नहीं करते पर्सनल एक्सपेंडिचर। क्यों डिसअलाउ नहीं करते, जैसे आप सब लोग मोबाइल यूज़ करते हो, तो मोबाइल में, ठीक है ना, मोबाइल जो आप क्या करते हो परचेज करा आपने, अभी हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, GST पे बाद में आएंगे। तो क्या हुआ कि मोबाइल आपने लिया परचेज करा, आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो या नहीं, सब लोग चैट बॉक्स में बोलोगे इनकम टैक्स में क्या उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो 1,00,000 रुपये पे पूरा का पूरा, आंसर इज यस। उसका जो मोबाइल रिचार्ज होता है, मोबाइल बिल है, इनकम टैक्स में डालते हो या नहीं, आंसर इज यस। आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, P&L में डालते हो, गाड़ी का खर्चा P&L में डालते हो। तो होता क्या है, कि इनकम टैक्स में जितने लोगों की रिटर्न्स जाती है, असेसिंग ऑफिसर कहता है यार क्या झंझट में पढ़ना, कौन प्रूव करेगा पर्सनल है या बिजनेस पर्पज है। लेकिन ठीक है ना, हाँ लेकिन होता क्या है कि अगर मान लो अंबानी है, अंबानियों की गाड़ियों का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, उसका डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होगा, उसका इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ इनकम टैक्स को फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ पर इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, जब किसी बड़े बिजनेसमैन की रिटर्न्स कर रहे होंगे तो वो गाड़ियों के डेप्रिसिएशन को चेक करेंगे कि भाई ये बिज़नेस P&L में तुमने डाला खर्चा, हम इसे डिसअलाउ करेंगे। क्यों डिसअलाउ करेंगे, क्योंकि कभी आपने सोचा है जिस मोबाइल फ़ोन से आपने पूरा खर्चा क्लेम कर लिया, जिस गाड़ी का तुमने पूरा खर्चा क्लेम कर लिया, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या सारा का सारा बिजनेस यूज़ था, क्या कहीं ना कहीं पर्सनल यूज़ नहीं था, बोलो कहीं ना कहीं पर्सनल यूज़ तो था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या करा, उस पर्सनल यूज़ का भी क्लेम ले लिया इनकम टैक्स में डाल के। तो इनकम टैक्स वालों में ना क्या था, ठीक है ना, वहाँ पर एक सेक्शन लिखा हुआ है कि भाई अगर पर्सनल नेचर का है तो हम डिसअलाउ कर देंगे, लेकिन इनकम टैक्स वाले ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो अब क्या हुआ, यही प्रैक्टिस लोगों ने जीएसटी में बना ली। मोबाइल फ़ोन लेते हैं, ठीक है, अपनी बीवी से बात करते रहते हैं 24 घंटे, ठीक है ना, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते रहते हैं 18 घंटे और ITC ले लेते, गाड़ी खरीदी उसमें बीवी बच्चों को घुमा रहे, गर्लफ्रेंड को घुमा रहे, और जब GST ऑफिसर ने पूछा कि भाई ये बिज़नेस पर्पज में कितना यूज हुआ, तो कहते सब बिज़नेस पर्पज में यूज हुआ ऑफिस, ठीक है ना, सारा बिज़नेस पर्पज में यूज हुआ, मैं तो अपनी बीवी को घुमाने मेट्रो में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर ना इनकम टैक्स में भी ये बड़ा विवाद था कि ये कैसे प्रूव किया जाए कितना पर्सनल है और कितना बिज़नेस है। तो वहाँ पर तो क्या, एक परसेंटेज बेसिस पे हम देख लेते, 10%, 20%, 30% अपनी श्रद्धा के अनुसार डिसअलाउ करते थे, ठीक है ना, है ना। हाँ महेश जी कह रहे हैं साली से भी बात करते हैं, हाँ जब फ़ोन है तो किसी से भी कर सकते हैं, साली से भी कर सकते हैं, पड़ोसन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सासू माँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी से भी कर सकते हैं। तो ये इनकम टैक्स में बड़ा विवाद था, लेकिन जब GST आया इन्होंने कहा इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, तो हमने पूछा क्या सॉल्यूशन करोगे, कह रहे ITC देंगे ही नहीं,
इन्होंने क्या बोला, ITC देंगे ही नहीं, जो जो खर्चा हमें लगेगा, जो जो खर्चा हमें लगेगा वो पर्सनल नेचर का है, हम उस पर ITC देंगे ही नहीं। सर मैंने बिजनेस यूज के लिए करा, कह रहा हमने लिख दिया हम देंगे ही नहीं। सर मैं प्रूव कर दूंगा, हम देंगे ही नहीं। समझ में आई? तो याद करो पहली क्लास ITC की, तो जब मैंने पहली क्लास ITC की तुम्हें लिखवाई थी तो मैं वहाँ पर क्या कहता था, मैंने कहा था कि ITC क्या है, राइट है या कंसेशन है, राइट है या कंसेशन, ITC इज़ नॉट अ राइट, ITC इज़ कंसेशन। और जब ITC कंसेशन है, इन्होंने कहा जिसका हमारी मर्जी करेगी उसका ITC देंगे और जिसका हमारी मर्जी नहीं करेगी उसका ITC नहीं देंगे। तो 17-5 में अब ये लड़ाई नहीं है, 17-5 में अब ये लड़ाई नहीं है कि ITC मिलेगा या नहीं। अगर कोई आइटम 17-5 में लिखी गई, अगर कोई आइटम 17-5 में लिखी गई तो उसका ITC मिलेगा ही नहीं। तो अब एक नए लेवल की लड़ाई आ गई, नए लेवल की लड़ाई क्या आ गई, वो कह रहा भाई ये आइटम 17-5 में लिखी है, असैसी कह रहा नहीं मेरी आइटम 17-5 में है ही नहीं, मेरी आइटम 17-5 से बाहर है। तो अब हमारे को जो इस एंगल से पढ़ना है, हमारे को 17-5 किस एंगल से पढ़ना है, 17-5 में पहली चीज, पहले तो अपने मन में ये भ्रम दूर कर लो, अपने मन का ये भ्रम दूर कर लो, अगर कोई भी चीज़ इसमें लिखी है 17-5 में उसका ITC नहीं मिलेगा, चाहे तुमने उसे बिजनेस के लिए यूज़ करा, चाहे जो मर्जी करा, उस असेट्स को यूज करके बिजनेस में जो मर्जी करा, करोड़ों कमा लिए लाखों कमा लिए, कोई मतलब नहीं है, उसका ITC तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तुम्हारा अगला पर्पज क्या रह गया कि तुम्हारी जो आइटम्स है उसे 17-5 से बाहर करवाना है। आस ऐसी कहेगा कि भाई ये मेरी 17-5 में नहीं आती, ऑफिसर कहेगा भाई ये 17-5 की है, ये 17-5 की है, तो वो इस बेस पे डिसअलाउ करेगा। तो अगर मुझे 17-5 से, ठीक है ना, 17-5 के दायरे से बाहर करना है तो 17-5 को मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और मुझे हर रिप्लाई में ये बताना पड़ेगा कि साहब आप ये आइटम कह रहे हो ये 17-5 की है, तो 17-5 के अंदर ना क्लोज है, क्लोज ए में, क्लोज बी में, क्लोज सी में, क्लोज डी में, तो ज़्यादा लड़ाई क्या है सी और डी क्लोज में, ठीक है, ए बी की भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं इस क्लोज को पढ़ने से पहले, 17-5 को पढ़ने से पहले आपके मन का भय दूर करना चाहता हूँ। आप मेरे से बार बार पूछोगे मैंने बिजनेस यूज के लिए लिया, मैंने कंपनी के नाम पे लिया, मैं तो कंपनी में ही यूज़ कर रहा हूँ, आप बार बार मेरे से यही बात करोगे और मैं बार बार आपको कहूँगा नहीं मिलेगा। तो अब आप मेरे से सिर्फ दूसरा ही क्वेश्चन पूछना, पहला क्वेश्चन मत पूछना, पहला क्वेश्चन मैंने एक मिनट लगा के तुम्हें क्लियर कर दिया कि 17-5 में अगर वो आइटम है तो तुम्हें उसका ITC नहीं मिलेगा, डेट इज़ ब्लॉक क्रेडिट। तो सर अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या रह गया कि सर मेरी आइटम 17-5 में है या नहीं, मेरी आइटम 17-5 में है या नहीं, बस ये बता दो। ठीक है, तो ये तुम और मैं सेक्शन चेक करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद देखेंगे कि मेरी 17-5 में है या नहीं है, और फिर अगर हमारी 17-5 में होगी भी, ठीक है, अगर हमारी 17-5 में होगी भी तो हम असेसी को बोलेंगे कि भाई ये 17-5 में इसका ITC ना ले, और अगर हमारा केस कहीं लग रहा होगा तो हम बोलेंगे हमारी 17-5 में है ही नहीं। अच्छा, अब तुम्हें तो लग रहा होगा भाई साहब ये तो 17-5 पढ़ेंगे और एक मिनट में बता देंगे ये 17-5 में मेरी आइटम है या नहीं है। भाई तुम्हारी आइटम 17-5 में आती है या नहीं आती है इतना आसान नहीं है। एक मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया, एक मैटर इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया, नोट कर लो, सुप्रीम कोर्ट का केस लो, सफारी रिट्रीट, क्या केस लो है, सफारी रिट्रीट, हुआ क्या, सफारी रिट्रीट केस लो, होमवर्क है तुम्हारा, कल से पहले पढ़ के आना है अगर तुम पे समय है तो। क्या है सफारी रिट्रीट के केस लो में, असैसी ने किसी चीज़ का ITC ले लिया, असैसी ने किसी चीज़ का ITC ले लिया, अब डिपार्टमेंट कह रहा है ये 17-5 की आइटम है, असैसी कह रहा है भाई साहब ये 17-5 की लिस्ट में नहीं आती, डिपार्टमेंट कह रहा है 17-5 में आती है। तो अब ये समझो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो 17-5 इतना आसान नहीं है, पहली बात इस चीज़ को अपने माइंड में डाल लेना। दूसरी बात, पहला क्वेश्चन में ऐसे कोई नहीं पूछेगा दोबारा कि मुझे ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिजनेस है, बस क्या पूछेगा क्वेश्चन 17-5 में आता या नहीं आता, वो पढ़ के बताएंगे, क्लियर है। अब तुम्हारे को एक फ्रेमवर्क पता लगा 17-5 पढ़ना क्यों है, तुम्हारे को अपना जो ITC है, ठीक है ना, अभी हमारे उमाकांत चौरसिया जी है, ठीक है ना, इनके जो पीछे है बेहतरीन टाइल्स लगी हुई है, अब ये टाइल्स खरीद के लाए, अब ये टाइल्स खरीद के लाए, अब बस ये मेरे से पूछे सर ये बता दो ITC मिलेगा या नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये 17-5 में नहीं है, अगर ये 17-5 में नहीं है
तो ITC मिल जाएगा भाई। अगर 17-5 में ब्लॉक है तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो बैठे हुए कमल साहू, ये प्रिंटर खरीद के लाए, ठीक है ना, इनकी बराबर में रखा हुआ है प्रिंटर, ये खरीद के लाए, ये कह रहे सर ITC मिलेगा या नहीं। मैंने कहा भाई देखा अगर 17-5 में ब्लॉक नहीं है तो मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी आइटम का हम जिक्र करेंगे। तो चलो पहली आइटम उठाते हैं और पहले इसकी ओपनिंग लाइन पढ़ना। ओपनिंग लाइन क्या कहता है ये? ओपनिंग लाइन ये कहता है नॉट विद एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1। कह रहा जो सेक्शन 16(1) ने तुम्हें सपने दिखाए थे ना, सेक्शन 16(1) की ओपनिंग लाइन याद करो, उसमें ये सपना लिखा हुआ था कि बिजनेस पर्पज़ यूज कर लो। उसमें क्या था सपना? रजिस्टर्ड पर्सन हो और बिजनेस पर्पज़ हो, ITC मिल जाएगा। कह रहा सब झूठ है। कहता है मैं उसे ओवर रूल करता हूँ। क्या कहता है? मैं उसे ओवर रूल करता हूँ। और ऐसे ही आगे चल के 18 पढ़ाऊँगा, उसमें भी लिखा हुआ बिजनेस पर्पज और रजिस्टर्ड पर्सन या जो भी बात है। तो ये कह रहा है मैं इन दोनों सेक्शन को ओवर रूल करता हूँ, मैं बाप हूँ इन दोनों का, ठीक है। कह रहा मेरा नाम 17 ऐसे ही नहीं है, 17 में है खतरा। कह रहा बाप हूँ 16-18 का, मैं इन दोनों को ओवर रूल करता हूँ। कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल। क्या लिखा हुआ? कि इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ। वर्डिंग क्या लिखी हुई है? इन रेस्पेक्ट ऑफ। क्या लिखा हुआ है वर्ड? इन रेस्पेक्ट ऑफ। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, उन्हें इन रेस्पेक्ट ऑफ का मतलब पता है? इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पेक्ट ऑफ का क्या मतलब होता है? इन रेस्पेक्ट ऑफ। अगर वो कह देता कि इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल ऑफ फॉलोइंग आइटम्स, एक इंग्लिश ये थी, एक इंग्लिश ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ। ज़्यादा खतरनाक कौन सी है? ज़्यादा खतरनाक कौन सी है? ये इन रेस्पेक्ट ऑफ लिखकर क्या क्या गवर्नमेंट ने 17-5 का दायरा बढ़ा दिया या कम कर दिया? दायरा बढ़ा दिया या कम कर दिया? बढ़ा दिया दायरा। तो यहाँ पर ना GST पढ़ते पढ़ते तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी सी मैं सुधार दूंगा, थोड़ी सी मेरी सुधर गई है, ठीक है ना, थोड़ी सी तुम अपनी सुधार लेना। अगर मैंने बोल दिया कि भाई ये जो हमारे अनुज मिश्रा हैं, कहाँ गए मिश्रा जी, मैंने बोल दिया अनुज मिश्रा जी पे हम बैन लगा देते, KJ क्लासेस ने अनुज मिश्रा जी पे बैन लगा दिया कि हमने बोल दिया कि अनुज मिश्रा जी हमारी KJ क्लासेस का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेंगे अब। तो अब यहाँ पर कोई भी हमने लगाया इन रेस्पेक्ट ऑफ अनुज मिश्रा, तो इसका मतलब सारे प्रोडक्ट पे बैन लग गया। और अगर हम ये बोल देते कि अनुज मिश्रा जी हमारा वेबिनार नहीं ले पाएंगे अब, या क्लासेस नहीं ले पाएंगे, या ग्रुप में या कुछ चीज़ें नहीं डाल पाएंगे, तो वो एक पर्टिकुलर होता। तो जब भी वर्ड आता है इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पेक्ट ऑफ का मतलब होता है दायरा बढ़ गया। मैं बात तुम्हें यहीं पे क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं तुम्हें यहीं पे क्यों बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये बात मैं अंदर जाऊँगा इस सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे बड़े अलग अलग है, ठीक है ना, यहाँ पर बड़े काम के बच्चे हैं। मैं अगर उन्हें बोलता हूँ कि भाई दूध एग्जेम्प्ट है, वो कहते दूध किसका, गाय का भैंस का, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ गाय का, क्यों कहते गाय का, कौन सी का, काली का सफ़ेद का, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे अंदर जाके। तो अभी मैं बोलूँगा कि गाड़ी का ITC नहीं मिलेगा, मैं जब बोलूँगा कि मोटर व्हीकल का ITC नहीं मिलेगा, तो अगला क्वेश्चन ये होगा, अच्छा चलो मोटर व्हीकल का ITC मत दो, अच्छा इंश्योरेंस कराया उसका मिलेगा, अच्छा इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा, अच्छा अभी ये बताओ मैं इसका वो कराई सर्विस कराई उसका मिलेगा, मैं कहूँगा नहीं मिलेगा। तो जब मैंने बोल दिया इन रेस्पेक्ट ऑफ, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ का मतलब क्या है कि उससे रिलेटेड किसी का भी नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड किसी का भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने इस शब्द पे आपको रोका है, ठीक है ना, कि वर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ का मतलब क्या है, ठीक है। तो जो जो आइटम हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर वर्ड पे एक ऊपर हाईलाइट करना इन रेस्पेक्ट ऑफ, क्या किस पे हाईलाइट करना है, इन रेस्पेक्ट ऑफ, ठीक है ना। हाँ रिलेटेड टू डेट, बिल्कुल सही, ठीक है, आगे आ जाओ, ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पढ़ने में और मेरे पढ़ाने में बस यही अंतर है, तुम इसे ऐसे ही पढ़ गए होंगे सीधा सीधा, बस मैंने तुम्हें यहाँ पर रोक दिया, समझ में आई नहीं। तो तुम जब पढ़ते हो, अब जैसे ग्रुप में मैं देखता रहता हूँ इतना सारा कंटेंट डाल देते हो आप लोग, इतना सारा, अबे पहले देख तो लो सब लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो
कहाँ पर ब्रेक मारना है ये बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक नहीं मारोगे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इन रेस्पेक्ट ऑफ, अब कई लोग तो मेरा नाम टैग करके कहते हैं मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ क्वेरी का आंसर दो, हैं 31 तारीख वैसे ही लास्ट डेट है, क्वेरी का आंसर पूछ रहे हो वो भी फ्री में, हैं ठीक है ना, ऐसे नहीं करना। चलो आ जाओ, इन रेस्पेक्ट ऑफ का मतलब समझ आ गया। अब क्या कहता भाई साहब, कह रहा भाई साहब बात सुनो, मोटर व्हीकल का ITC मत ले लेना। क्या कह रहा भाई साहब, मोटर व्हीकल का ITC मत ले लेना। अब जब इसने वर्ड लिखा मोटर व्हीकल, जब इसने वर्ड लिखा मोटर व्हीकल, तो इसने क्या करा, एक अलग ही डिस्प्यूट को जन्म दे दिया। जब इसने वर्ड लिखा मोटर व्हीकल तो यहाँ पर रुकना है कि भाई मोटर व्हीकल होता क्या है, किसी को पता है मोटर व्हीकल क्या होता है, किसी को पता है मोटर व्हीकल क्या होता है, फटाफट से बताओ भाई, किसी को पता है मोटर व्हीकल क्या होता है, किसी को पता है मोटर व्हीकल, फटाफट बताओ। हाँ अरे यार मैं तो तुमसे जनरल टर्म पूछ रहा हूँ, एज पर मोटर व्हीकल है, ठीक है ना। ये देखो राघव जी कह रहे कार है, है? व्हीकल, हाँ व्हीकल ऑपरेटेड बाय, ठीक है। देखो एक तो चीज़ पहली वो व्हीकल होना चाहिए और दूसरी उसमें मोटर लगी होनी चाहिए। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँ वर्ड का, मोटर व्हीकल का मतलब क्या है, एक मोटर होनी चाहिए उसमें और एक उसमें वो व्हीकल हो। अब कई लोगों को मोटर व्हीकल का ही नहीं पता, अब मैं उन्हें गाड़ी का बताऊंगा वो फिर बाइक का पूछेंगे, मैं बाइक का बताऊंगा फिर कहेंगे जो पिज्जा आता है उसका मिलेगा क्या, मैं उसका बता दूंगा फिर कहेंगे साइकिल का मिलेगा क्या, मैं साइकिल का बता दूंगा कहेंगे रिक्शा का मिलेगा क्या, मैं रिक्शा का बता दूंगा फिर वो किसी चीज़ का कहेंगे। तो पहले ना मोटर व्हीकल का वर्ड समझ लो। तो कहते हैं मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस एंड रिलेटेड सर्विस, ये बात की बात है। अब यहाँ पर क्या है, मोटर व्हीकल होती क्या है, मोटर व्हीकल एंड कन्वेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन द CGST एक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोटर व्हीकल डिफाइन की गई है CGST एक्ट में, तो मोटर व्हीकल का क्या मतलब है, मोटर व्हीकल एक बार में तुम्हें दिखा देता हूँ, मोटर व्हीकल की एक बार डेफिनेशन देख लेते, मोटर व्हीकल की एक बार डेफिनेशन देख लेते, फटाफट से निकालो, फटाफट से निकालो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन सेक्शन 2 में कहाँ पर है, सेक्शन 2 में ये रही, कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है इसने, इसने क्या है दी है डेफिनेशन, कह रहा है मोटर व्हीकल शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इन क्लोज 28 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। कह रहा है मुझे नहीं पता, मोटर व्हीकल एक्ट निकाल लो और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पढ़ लो, मोटर व्हीकल एक्ट निकाल लो और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पढ़ लो। मैंने कहा भाई वो कौन पढ़ने जाएगा, कह रहा मुझे नहीं पता भाई साहब, मैंने तो तुम्हें बता दिया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पढ़ लो, ठीक है। चलो यहाँ से हमारे को थोड़ा सा एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कहता है, मोटर व्हीकल एक्सक्लूड किसे किसे करती है, ये कहता है मोटर व्हीकल एक्सक्लूड किसे किसे करती है, कह रहा इन चीज़ों को मोटर व्हीकल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना जी। इन्होंने क्या बोला कि व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स रेल्स, ठीक है ना। आपने कई बार देखा होगा कि फैक्ट्रियों के अंदर एक पूरी रेल टाइप बिछा देते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, उसके ऊपर क्या चलता है, स्पेशल पर्पज व्हीकल, माल डाल दिया और वो चलता रहता है, ठीक है ना जी। तो उन्होंने कहा भाई साहब उसे मोटर व्हीकल मत बोलना, पहली चीज़। हमने कहा ठीक है। कह रहा है स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर बीइंग यूज इन फैक्ट्री और एनी एनक्लोज प्रीमिसेस, कोई हमने स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया है, ठीक है ना, जो फैक्ट्री वगैरह में यूज होने के लिए, तो कह रहा उसे भी मोटर व्हीकल मत बोलना। कह रहा है व्हीकल विद लेस देन 4 व्हीलर, क्या कह रहा है जी, व्हीकल विद लेस देन 4 व्हीलर फिटेड विद इंजन कैपेसिटी ऑफ अप टू 25 CC, कि भाई 25 CC से कम हो, अप टू 25 CC हो, लेस देन 4 व्हीलर हो, दस रेलवे 2-3 व्हीलर्स विद इंजन कैपेसिटी अप टू 25 CC बाईसाइकिल ATC डू नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ मोटर व्हीकल। तो अब मुझे बताओ, तुमने साइकिल खरीद ली, तुमने साइकिल खरीद ली, ITC मिलेगा या नहीं, साइकिल का ITC मिलेगा या नहीं, हाँ आंसर इज यस, साइकिल का ITC आपको मिलेगा। लेकिन पता चले
तुम्हारी जो साइकिल है वो साइकिल ही होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अगर बिजनेस पर्पज के लिए तुमने साइकिल खरीद ली, तुम्हें उसका ITC मिलेगा। आजकल साइकिल ही लाख लाख रुपए की आ रही है, तो अगर बिजनेस पर्पज के लिए लाख रुपए की साइकिल खरीदी तो मिलेगा। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं कि साइकिल की जगह मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक वाली स्कूटी खरीद ली जिसमें बैटरी लगती है और वो इलेक्ट्रॉनिक से चलती है। पता है ना, ओला की आ रही है आजकल 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की। हाँ, उसका मिलेगा या नहीं? अच्छा पहले बताओ, वो मोटर व्हीकल है क्या? वो मोटर व्हीकल है भाई, उसका RC आएगी एक तुम्हारे पास, उसमें उसका CC देखना। CC की फुल फॉर्म क्या होती है बोलो? यहाँ पर ये जो 25 CC लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बोलो? अरे CC की फुल फॉर्म नहीं पता तुम्हें? हाँ, इंजन क्यूबिक कैपेसिटी। हाँ, ये कह रहा है कैश क्रेडिट, अकाउंट्स वालों को कैश क्रेडिट ही पता है, कह रहा है CC लिमिट, ठीक है। ठीक है, तो आज हंसी वाली बात नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि अगर तुम्हारी 25 CC तक की है, तो भाई जो आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद रहे हो, आप ये चेक कर लेना, ठीक है, कि वो 25 CC की है या उससे ज़्यादा की है। अगर 25 CC की है तो वो मोटर व्हीकल में नहीं आएगी और आपको उसका ITC मिल जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा आती है, जो मेट्रो स्टेशन पर मिलती है, उसे भी ऐसे ही चेक कर लेना, ठीक है जी। क्लियर हो गई, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं आगे। अच्छा, बाइक आती है कोई 25 CC की? किसी ने बाइक स्कूटी चलाई हो पता हो कितने CC की होती है? मैं तो आजकल देखता हूँ 100 CC लिखा होता है उस पर, 100 है ना, 150 CC पल्सर है ना, मिनिमम 100 आती है ना। तो इसका मतलब बाइक का ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मोटर व्हीकल है। अब पहले इसने बोल दिया कि भाई मोटर व्हीकल का ITC नहीं मिलेगा। मैंने पूछा, हाँ ये बुलेट 350 CC नहीं मिलेगा। अब हाँ, अगर लेस देन 4 व्हीलर्स है तो देन CC देखना होगा, ठीक है। अब आता है मुद्दा आगे, अब मुद्दा आता है कि क्या कोई ऐसा केस है जहाँ पर मोटर व्हीकल का मिल जाए? मैंने कहा यस, कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पर मोटर व्हीकल का मिल जाए, लेकिन वो बड़े रेयर है, ठीक है ना, वो बड़े रेयर है। सर कैसे? उन GST वालों ने बोला कि हम ना सचमुच ITC देना चाहते हैं, लेकिन हम जेन्युइन चीज़ों का देना चाहते हैं, तुम लोग लेते हो इन जेन्युइन चीज़ों का। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता जेन्युइन कैसा होता है? उन्होंने कहा कि जेन्युइन का मतलब क्या है कि भाई कंपनी है, कंपनी में बस लगी हुई है लाने के लिए, अपने एम्प्लॉय को स्टाफ को लाने के लिए बस लगी हुई है, हम उसका ITC दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया कि मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। अब इन्होंने जब ब्लॉक करा तो किसका करा? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। कह रहे लोचा जो तुम करते हो पर्सन वाले में ही करते हो, अगर कोई व्हीकल बनाए गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हमें उसका ब्लॉक करने का कोई मतलब नहीं है। हमें अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन का कोई व्हीकल है, हम उसका ITC ब्लॉक नहीं करेंगे। तो अब मुझे बताओ, ट्रक का ITC मिल जाएगा या नहीं? क्या ट्रक का ITC ब्लॉक है क्या? आंसर इज नो। एक आता है ट्रक के फॉर्म में छोटा हाथी, ठीक है, छोटे हाथी का ITC मिल जाएगा या नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे, अगर उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे RC पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये वाला जो व्हीकल है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, तो हम आपको उसका ITC दे देंगे। लेकिन अगर उस व्हीकल की RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे, भाई मेरा पर्स दिखाओ एक बार, देखते हैं RC पे क्या लिखा रहता है, ठीक है ना, मेरे बैग में पर्स होगा, पर्स में देखो सब लोग RC निकाल के, तो वहाँ पर वो व्हीकल का वो लिखा रहता है कि कमर्शियल है, ठीक है ना। हाँ, मेरे पास है क्या RC? अरे मेरे पास तो RC नहीं है किसी भी गाड़ी की। लो, हाँ एक किया। चलो अब जब हम इसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मॉडल लिखा हुआ है, फ्यूल लिखा हुआ है,
सिटिंग कैपेसिटी लिखा हुआ है, ठीक है ना जी, क्यूबिक कैपेसिटी लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। हाँ, अब इसमें क्या है, अच्छा गाड़ियों वाली में लिखा रहता शायद, ठीक है ना, कि भाई ये कमर्शियल है या पर्सनल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस बात को समझो, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो इन्होंने सिंपल क्या बोला कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक थी लड़की, उसका नाम था मोना। मोना डील करती थी सोने में और क्या कहते हैं हीरो में। अब बताओ हीरो की डिलीवरी, अगर हीरो की डिलीवरी लेके जानी है या सोने की डिलीवरी लेके जानी है, ट्रक में लेके जा सकता है क्या कोई सोने या हीरे की डिलीवरी? तो मोना ने क्या बोला, मोना ने बोला कि मोना बेचती है सोना और सोने की डिलीवरी करती है मर्सिडीज़ में, ठीक है ना, मर्सिडीज़ में करती है, तो मर्सिडीज़ का ITC मिलना चाहिए क्योंकि ये इस मर्सिडीज़ को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज़ कर रही है। तो क्या बोलो, मोना के कहे अनुसार क्या मर्सिडीज़ का ITC मिलेगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। देखो गोपाल गौर जी कह रहे यस, ये भावनाओं में बहना नहीं है, लॉजिक समझना है कि मोना पे कभी विश्वास नहीं करना। अब हमें क्या पता मोना सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, हमें नहीं पता मोना सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा जब मर्सिडीज़ गाड़ी आई तो मर्सिडीज़ गाड़ी वालों ने बोला कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए है, तो हम आपको इसका ITC नहीं देंगे। दूसरी बात, अब तुम्हारे घर पे आया पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय, ठीक है, डोमिनोज का पिज्ज़ा, ठीक है ना, अभी अभी उस पर भी आते। जोश शर्मा जी कह रहे हैं कि वो मर्सिडीज का कमर्शियल नंबर ले ले, पहले इन्हें बताओ, पहले ना कोई भी एग्जांपल मेरे से इनप्रैक्टिकल मत पूछना। तुमने कभी देखी है मर्सिडीज का है कमर्शियल नंबर? कोई हो तो बताना मुझे मर्सिडीज का कमर्शियल नंबर, है ना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखो मैं ना तुम्हारे को नहीं तो लिस्ट लिखवा देता और कह देता इसका मिलेगा इसका नहीं, इसका मिलेगा इसका नहीं। मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तुम्हारे घर पे आया डोमिनोज पिज़्ज़ा, डोमिनोज पिज़्ज़ा जैसे ही तुम्हारे घर पे आया तो उसकी बाइक पे क्या तुम बैठकर थोड़ी दूर तक जा सकते हो? कभी तुमने उससे लिफ्ट मांगी है डोमिनोज वाले से, जो उसके पीछे एक टोकरी सी रखी रहती है नीले कलर की, उस पर जा सकते हो? अच्छा, तो वो डोमिनोज की जो बाइक है क्या वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए? फटाफट से बताओ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए? तो ये जो गुड्स के लिए है, तो जब डोमिनोज वाला वो बाइक खरीदता होगा तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखवाता होगा या नहीं लिखवाता होगा? हाँ, चलो आंसर इज यस। तो अगर डोमिनोज वाला आपसे कभी पूछने लगे तो आप बोल देना कि भाई मैं तो बेस मानूंगा RC को, अगर RC में लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो भाई मैं ITC दे दूंगा, अगर उस पर लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन मैं नहीं दूंगा। चलो, एक आजकल क्या चल रहा है दिल्ली में भी शुरू हो गया है, ठीक है ना, वो बाइक वाला आता ना भाई, बाइक वाला आता जेपेटो से, पता नहीं कौन कौन से ओला से, जेपेटो क्या बोलते, रैपिडो, हाँ रैपिडो से आता है वो, ठीक है। अब वो बाइक ला रहा है, उसका ITC मिलेगा या नहीं? हाँ, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है या नहीं है? बोलो 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 बोलो, हाँ, तो उसका ITC नहीं मिलेगा। तो नट सेल में क्या निकल कर आई, नट सेल में ये बात निकल कर आई कि अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए, अब देखो ये वाली बात बोलेंगे मुझे मिलना चाहिए, अरे चाहिए तो पता नहीं क्या क्या, पता नहीं चाहिए तो क्या क्या। मेरी बीवी आज मुझसे कह रही थी आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, आज मैं तुम्हें क्लास लेने जाने नहीं दूंगी, मैं देखती हूँ तुम जाते कैसे हो क्लास लेने। उसने मुझे आने ही नहीं दिया, ठीक है, मैं आँख मिचोली देकर उसे आया। मैंने कहा क्लास लेना मेरे लिए ज़रूरी है, अगर मैं क्लास ले लूँगा तो मेरी तबीयत थोड़ी सही हो जाएगी। तो चाहते तो लोग बाग पता नहीं क्या क्या है, ठीक है ना, तो चाहने से नहीं होगा, है ना। मैं बताऊँगा इसकी ट्रिक भी कैसे आए, ठीक है ना, लेकिन मैं आ गया, ठीक है ना। चलो
तो यहाँ पर क्लियर क्या हुआ कि मोटर व्हीकल का ITC मिलेगा, ठीक है ना। मोटर व्हीकल का हमारे को ITC कब मिलेगा, जब वो गुड्स के लिए होगा। अगर वो मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है तो उसका नहीं मिलेगा। मोटर व्हीकल में क्या आता है क्या नहीं आता ये मैंने आपको बता दिया। अब इन्होंने क्या कहा कि देखो जेन्युइन सिचुएशन में हम देना चाहते हैं कि अगर अगर तुम्हारी मोटर व्हीकल है और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए ही है, हम तुम्हें ITC दे देंगे हैविंग अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी, अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर। तो क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर तुम्हारी सिटिंग कैपेसिटी छोटी गाड़ियों की है, छोटी गाड़ियों में इसने इनोवा तक ले ली, इसने बलैरो तक ले ली कि जिस जिसमें तुम घूम सकते हो, कह रहा अगर छोटी गाड़ियां हैं तुम्हारे पास तो उसका नहीं देंगे, लेकिन ठीक है ना 13 से ज़्यादा आपकी हो गई कैपेसिटी, मतलब 13 से ज़्यादा किसकी होती है भाई, 13 से ज़्यादा तो आजकल वो आता है ना टेम्पो ट्रेवलर जो लोग बाग अपनी कंपनियों में लगवाते हैं, तो ट्रेवलर आ गया, बस आ गया, कह रहा उसका ले लेंगे। तो अपने जीवन में कभी भी अगर कोई गाड़ी खरीदो तो ट्रेवलर वगैरह भी अगर खरीदो तो ये चेक करके खरीदना कि मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इन्होंने यहाँ पर ठीक है ना क्या लगाया कि भाई अगर आपकी नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर मतलब 12 सीटर प्लस में एक 13 सीटर ड्राइवर लिया तो हम ITC नहीं देंगे। तो ट्रेवलर भी खरीदना है तो 15 सीटर खरीदना, ठीक है ना, जिससे कि तुम्हें ITC मिल जाए, ठीक है, समझ आई। रीज़न क्या था, ये कह रहे उससे नीचे के जो भी व्हीकल्स हैं आप पर्सनल में यूज कर सकते हो, हम चेक भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब लड़ाई वो नहीं है, अब तुम बच्चे नहीं रहे। पहले मैं कहता था, एग्जांपल देता था कि मैं अपने ऑफिस के काम से आता हूँ, मैं मीटिंग्स के लिए जाता हूँ, क्या मुझे ITC मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो क्वेश्चन ही नहीं है, उस पर डिस्प्यूट ही नहीं करना। अब सिर्फ क्या पढ़ना है कि 17(5) में आएगा या नहीं आएगा, समझ आई, पर्पज हमें नहीं देखना। चलो अब इन्होंने कहा कि हम आपको ITC नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने कहा चलो 13 से कम कैपेसिटी की गाड़ी है, 13 से कम भी अगर गाड़ी है, अगर तुम इनोवा का लेना चाहते हो, अगर तुम इर्टिका का ITC लेना चाहते हो, i10 का लेना चाहते हो, वैगन आर का लेना चाहते हो, तो इन तीन केस में मिलेगा, सिर्फ इन तीन केस में। कौन से तीन केस इन्होंने बताए कि भाई सिंपल सी बात है, आप उसे खरीद के यूज मत करो, आप उसकी सप्लाई करो, मतलब जितने भी ये शोरूम वाले हैं। तो अगर ये यहाँ पर ये चीज़ ना लिखते तो शोरूम वालों को भी नहीं मिलता, अगर यहाँ पर ये चीज़ ना लिखते तो जो शोरूम वाले कंपनी से ख़रीद रहे हैं मारुति से, तो उन्हें भी ITC नहीं मिलता, तो भाई वो भी तो खरीद के ही बेचते हैं। तो इन्होंने कहा अगर आप इनकी फर्दर सप्लाई कर रहे हो तो आपको ITC मिल जाएगा, ठीक है। तो कार डीलर जितने भी हैं उन सबको ITC मिल जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अब यहाँ पर वर्ड में अंतर आ गया, ऊपर वर्ड था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, ठीक है ना, और नीचे वर्ड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। इन दोनों में क्या अंतर है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इन दोनों में क्या अंतर है। देखो महेश जी रैपिडो में बाइक का दिलवा रहे, क्यों दिलवा रहे बाइक का मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अभी बात करेंगे। अभी तक ऊपर वाला जो पढ़ा है उस केस में नहीं मिलेगा, अभी नीचे आने दो, अभी इसका तो करा ही नहीं ना एनालाइज। महेश जी आप जहाँ तक मैं एनालाइज कर रहा हूँ वहाँ तक नहीं मिला, अभी नीचे देखते हैं नीचे मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना एक एग्जांपल से समझो, ये कह रहे सेम लग रहा है, ठीक है ना। तुम मानकर चलो जितनी भी फीमेल्स हैं, मानकर चलो उनका पति ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर, ठीक है ना, सब जितने भी मेल हैं वो सब मानकर चलो तुम टैक्सी ड्राइवर हो, ठीक है। अब तुम टैक्सी ड्राइवर हो, जब उस टैक्सी को रोड पर ले जा रहे हो, ओला वगैरह में तुमने बुक लगा दी, रोड पे लेके चले गए, तो उसके अंदर जो भी सवारी अब तुम्हारे बुक पे बैठ के जाएगी, तो मेरे हिसाब से तुम उसे बोलोगे कि तुमने इसे यूज करी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में, कि पैसेंजर मिला तुम उसे लेके चले गए। अब शाम को 8 बज गए, तुमने भाई अपनी ड्यूटी ऑफ करी, अब तुम अपने घर पे आए,
तुम्हारी वाइफ ने कहा कभी मुझे भी घुमा दिया करो। तुमने कहा ठीक है हम तुम्हें घुमाते हैं ना। अब जब तुमने उन्हें बिठाया तो क्या वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हुआ या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हुआ 8 बजे के बाद? हाँ, दिनेश कुमार जी ने बढ़िया एग्जांपल दिया, कह रहे भाई जिससे किराया लिया वो पैसेंजर, जिससे किराया नहीं लिया वो पर्सन। तो ऊपर ये कह रहा है कि देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए हम ITC नहीं दे रहे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस कर रहा है और टूर एंड ट्रेवलर्स का बिजनेस करके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहा है तो हम उसका ITC उसे दे देंगे, हम उसे उसका ITC दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर तक जब हमें रैपिडो का ITC नहीं मिल रहा था बाइक का, क्योंकि वो बाइक क्या थी, बंदा क्या करता है खुद ही खरीदता है फिर बाद में रैपिडो में लगा देता है, तो उसे नहीं मिल रहा, समझ रहे हो। लेकिन अगर उसने खरीद के उसने कहा भाई साहब मेरा तो बिजनेस ही यही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का, तो देन आपको उसका ITC मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्या गाड़ी खरीदने से पहले क्या हमें टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस ही शुरू कर लेना चाहिए और टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस में हमें ITC मिल जाएगा, ठीक है। तो कई लोग ये वाली टैक्स प्लानिंग या इसे टैक्स इविजन बोलेंगे तो वो करते हैं, वो क्या करते हैं टूर एंड ट्रेवल का कोई दोस्त यार होता है उसके नाम पे खरीद लेते हैं, कहते हैं भाई तू ITC ले ले। लेकिन यहाँ पर ये बड़ी दिक्कत है कि जब हम बोलेंगे, ठीक है ना, जब आप बोलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन दे आर यूज फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, कि भाई अगर आपने ITC लेना है तो टैक्सेबल सप्लाई करनी है आगे और उस टैक्सेबल सप्लाई में से यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जीएसटी ऑफिसर क्या करता है, वह कहता है कि अगर तुम कमर्शियल नंबर लोगे तो ही मैं तुम्हें ITC दूंगा, क्योंकि जब तुम कमर्शियल नंबर ले रहे हो तो एज पर लो कमर्शियल नंबर को ही आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में यूज कर सकते हो, पर्सनल नंबर को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, एज पर लो, ठीक है। तो अगर कई लोग ये सोचे कि मैं गाड़ी ले लूँ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर लूँ, ठीक है, और ये दिखा दूँ कि भाई मैं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहा हूँ, तो वहाँ पर उन्हें दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पर जब वो कमर्शियल नंबर लेने जाते हैं तो वो गाड़ी अपने हर साल 2 लाख रुपए महंगी हो जाती है, मान लो उसके रोड टैक्स ज़्यादा हो जाते हैं, वो कहीं भी आएगी टोल टैक्स उसे देना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी ये गलती मत करना कि आप पर्सनल नंबर अगर लोगे तो वो ये कह देगा कि भाई तुम्हारा बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का नहीं है। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, मैं तो अपनी पर्सनल गाड़ी में रोज़ रात को, ठीक है ना, शादियों में ले जाता हूँ उसे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो, वो जो आप कर रहे हो डेट इज इलीगल, लीगली नहीं कर रहे। तो इसलिए एज पर माई अंडरस्टैंडिंग अगर आप कोई प्राइवेट नंबर लेते हो, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के ही बिजनेस में क्यों ना हो, तो भी आपको उसका ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम गाड़ी आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते एज पर जर्नल लॉ ऑफ इंडिया। यहाँ तक क्लियरिटी है। तीसरा क्या कहता है, अगर आपने कोई गाड़ी ली और उससे ट्रेनिंग दे रहे हो, अब ट्रेनिंग देने में कौन सी गाड़ी यूज होती है सबसे ज़्यादा, पता है किसी को रोड पर ट्रेनिंग देने में कौन सी गाड़ी यूज होती है, जिसने गाड़ी चलानी कभी नहीं सीखी, पता है किसी को कौन सी गाड़ी यूज होती है, बोलो फटाफट, सेंट्रो, हाँ सेंट्रो तो अब चली गई, अब लेटेस्ट कौन सी होती है, वैगनार, ठीक है ना, वैगनार गाड़ी। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आप गाड़ी, ठीक है, ड्राइविंग के लिए यूज़ कर रहे हो, ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, जिसमें आप ट्रेनिंग और ड्राइविंग सिखाएंगे, तो हम आपको उसका ITC भी दे देंगे। तो यहाँ तक गाड़ियों वाला क्लियर हुआ या नहीं, बोलो गाड़ियों वाला क्लियर हुआ या नहीं। हाँ, तो अब इसके सामने नट सेल में एक बात लिख लो, जब भी तुम्हारा दिमाग कन्फ्यूज हो तो एक बात लिख लेना क्रक्स में, जिस व्हीकल में आप अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा सकते हो, ठीक है ना, उसका ITC नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें नहीं घुमा सकते उसका मिल जाएगा। हाँ देखो मनोहर मेहरा जी ने लिख दिया, ठीक है ना, बिल्कुल यही बात है, ठीक है ना, 90% केसेस में ये सिचुएशन फिट बैठेगी, ठीक है ना, शोरूम में। हाँ अब ये मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा, अभी उस पर आ रहा हूँ। हाँ, ट्रेनिंग वाली कार का भी RC कमर्शियल होगा, प्राइवेट से थोड़ी ट्रेनिंग दे दोगे आप, ठीक है, और ट्रेनिंग वाली कार में तो और भी है, जब
तरीके के होते हैं, दो तरफ स्टेयरिंग होता है, दो तरफ भी होता है। अब तुमने गाड़ी ले ली, कह रहे मैं तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ इससे, नहीं ऐसा नहीं, वो भी कमर्शियल होगा। आप पर्सनल व्हीकल से ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते एज पर लो, ठीक है ना। तुम अपनी बीवी को तो सिखा सकते हो अपनी गाड़ी से, अगर वो गाड़ी तुम्हारे दहेज में आई है तो अपनी बीवी को सिखाओ उससे, ठीक है ना, ठोक भी देगी तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन एज पर लो आप, ठीक है ना, एज पर लो आप क्या कहते हैं प्राइवेट गाड़ी से ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। चल अब यहाँ पर एक बड़ा कंसेप्ट आया कि शोरूम में जो डिस्प्ले के लिए गाड़ियाँ रखी होती है, भाई देखो पहली चीज, जितना मुझे प्रैक्टिकल पता है कि शोरूम में जो गाड़ियाँ डिस्प्ले के लिए रखी रहती हैं, शोरूम में गाड़ी आती है डिस्प्ले के लिए, और डिस्प्ले के लिए जो गाड़ी आती है, ठीक है, तो शोरूम वाले क्या कहते हैं, आजकल तो वो शोरूम वाले उसे ही बेच देते हैं, ठीक है, फिर दूसरी रख लेते हैं। लेकिन मैं रचना जैन जी वाली सिचुएशन ले रहा हूँ कि एक गाड़ी आई वैगनार और उसे क्या करा, डिस्प्ले में ही रख दिया, अब उसे बेच नहीं रहे, जब भी बेचनी होती है दूसरी मंगाते हैं, बुक कराते देते, दूसरी आती है बुक कराते देते। अब मुद्दा ही आता है कि भाई ये इसका ITC मिलेगा या नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं, जो मतलब कि भाई शोरूम डीलर है, आप मुझे बताओ क्या इसका ITC मिलेगा या नहीं। हाँ, इसका ITC मिलेगा या नहीं, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, एज़ पर माई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इसका ITC मिलेगा। अगर इसका ITC मना कर देगा तो कोई भी व्यक्ति डिस्प्ले में रख के बेचेगा ही नहीं, वो कहेगा डिस्प्ले वाली आई सही भेज, डिस्प्ले वाली आई सही भेज, ठीक है ना। तो शोरूम डीलर को उसका ITC मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ था हमारा गाड़ियों का मैटर, ठीक है ना। अब मान लो तुम्हारा क्लाइंट कोई अंबानी है, ठीक है ना, या विजय माल्या है, या राकेश झुंझुनवाला है, तो ये तुम्हारे लिए है डबल ए क्लोज। डबल ए क्लोज किसके लिए, तुम्हारे लिए, कि अगर तुमने वैसल खरीदा, वैसल क्या होता है कोई बताएगा, वैसल क्या होता है, हाँ शिप, हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है, पानी का जहाज, ठीक है ना, पानी का जहाज, ठीक है ना। अगर आपने कोई वैसल खरीदा या एयरक्राफ्ट खरीदा, ठीक है ना, तो आप, ठीक है ना, वैसल खरीद रहे हो और एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो, तो आपको उसका भी ITC नहीं मिलेगा, ठीक है ना। विजय माल्या ने क्या करा, ठीक है ना, मान लो आज मेरा मन कर रहा है, अभी करवा चौथ आ रही है ना, कब किया करवा चौथ, हाँ कब किया करवा चौथ, ये कह रहे पता ही नहीं सर, हाँ देखो दीपक सिंह को पता है, प्रिंस जी को पता है, हाँ 1 नवंबर की है ये, पहले ये पहले 31 अक्टूबर की आ रही थी, ठीक है, फिर इसे पोस्टपोन कराया कि 31 को तो लास्ट डेट है यार, ठीक है, ITR की, तो इसे 1 नवंबर कर लो, ठीक है ना। 1 नवंबर को करवा चौथ करी गई है। अब 1 नवंबर को अब मान लो, ठीक है ना, ठीक है ना, अमलान दत्ता जी ने सोचा अपनी वाइफ को 25वीं शादी की साल, वो 25वां करवा चौथ है, 25वां करवा चौथ है, उसे एक शिप देता हूँ, ठीक है, या उसे प्राइवेट जेट देता हूँ, ठीक है ना। सोचना ही तो है, सोचने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। मेरी वाइफ कभी भी कहती है कब मुझे प्राइवेट जेट दोगे, मैं कहूँगा ITC नहीं मिलता, नहीं तो मैं दे देता, ठीक है ना। मैंने कहा वो चीज़ बता जिस पे ITC मिलता, कंपनी के नाम पे ले लेंगे, ठीक है ना। तो वो कह रहा भाई साहब ITC नहीं मिलेगा, ठीक है, वो क्या कह रहा है ITC नहीं मिलेगा, लेकिन कब मिल जाएगा, ठीक है, तो आप पानी का जहाज़ खरीदो या हवाई जहाज़ खरीदो, ठीक है ना, जो हीरो हीरोइन खरीद रहे, ठीक है ना, कह रहे ITC नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, वही जो ऊपर वाली कहानी थी, वही जो ऊपर वाली कहानी थी, वही कहानी यहाँ पर आ गई, ठीक है ना, वही जो ऊपर वाली कहानी थी, बस सी पार्ट को यहाँ पर COD दो पार्ट में कर दिया, COD दो पार्ट में कर दिया, ठीक है ना, बाकी ऊपर वाली कहानी ही आ गई, ठीक है। और इसके अंदर एक और कंडीशन ऐड कर दी कि अगर आप पानी का शिप या हवाई जहाज खरीद रहे हो और उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करोगे, आप उसमें क्या करोगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करोगे, तो आपको उसका ITC मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना, अगर आपका कभी मन करे, अगर आपका कभी मन करे, ठीक है ना, कि भाई पानी का जहाज देना है वाइफ को गिफ्ट में, तो पहले उसे यूज कर लेना, ठीक है ना, पहले खरीद के उसमें माल ढो लेना थोड़ा सा, ठीक है ना, 2-4-5 साल माल ढो लेना, उसका ITC ले लेना, फिर वाइफ को गिफ्ट कर देना, ठीक है ना। तो ये टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आप,
ठीक है ना, अगर आप पानी का जहाज या हवाई जहाज खरीदोगे तो सिर्फ गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिलेगा, ठीक है ना, और ऊपर, ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक चीज़ें? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है बोलो? हाँ, यहाँ तक किसी को? ठीक है, हाँ, कार्गो शिप ले लेना, ठीक है ना, फिर उसके बाद ले लेना। चलो, समझ आ गया, यहाँ तक कोई डाउट? मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ आज, ठीक है, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब देखो, फिर ये दीपक जी ने पूछ लिया, अब ये कह रहे टेम्पू का ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ बोलो, तुम लोग चैट बॉक्स में लिख कर बोलो, मुझे पता है गंदी आदत है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, देखो जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं वो सब आंसर दे देंगे, जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं वो सब आंसर दे देंगे, ठीक है ना। देखो तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना, तुम मेरे से जो भी पूछो कंसेप्ट पूछो, ठीक है ना, ये ऐसे पूछोगे तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा मुझे। चलो आ गया है, चलो अब, हालांकि मैं तुम्हें बहुत गौर से एक वर्ड पढ़ा के आया था इन रेस्पेक्ट ऑफ, तो उस इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्ड ने कंप्लीट कर दिया था कि ना तो इंश्योरेंस का मिलेगा ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ज़िद्दी होते, ठीक है ना, कुछ लोग ज़िद्दी होते, वो कहते भाई नहीं, हमें तो क्लियर लिख के दो। तो इन्होंने क्या करा, एक नई क्लोज इंसर्ट करी, ए बी। कौन सी क्लोज इंसर्ट करी? ए बी। और ए बी क्लोज लिख के क्या बोला कि देखो भाई, चाहे जनरल इंश्योरेंस कराओ, चाहे उसकी सर्विस कराओ, चाहे उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराओ, चाहे उसके टायर चेंज कराओ, कुछ भी कराओ, अगर वो आपका किससे रिलेटेड है, क्लोज ए और डबल ए से, अगर उसका क्लोज ए और डबल ए से नाता है, क्लोज ए और डबल ए में उसका ITC नहीं मिल रहा, तो आपको इनका भी ITC नहीं मिलेगा। अगर क्लोज ए और डबल ए में ITC मिल रहा होगा, किसे मिल रहा होगा? कंपनियों को। किसे मिल रहा होगा? ट्रांसपोर्टर को, ठीक है, किसे, जिसे मिल रहा होगा क्लोज ए डबल ए में, उसे ही इसका मिलेगा, ठीक है ना जी। बोलो बोलो, ठीक है, प्रोवाइडेड डेट इनपुट टैक्स क्रेडिट सच सर्विस सेल भी अवेलेबल, किसे किसे मिलेगा भाई, ठीक है ना, जो ए और डबल ए में जो हमने पर्पज लिखा हुआ था उसके लिए, ए और डबल ए में जो पर्पज लिखा हुआ था उसके लिए। अब यहाँ पर ये डब, ये जो सेकंड क्लोज है ये इम्पोर्टेंट है, ये सेकंड क्लोज है, ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्लोज में क्या इम्पोर्टेंट है, ये कहता है वेयर सर्विस रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन एंगेज्ड, ठीक है ना, इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ सच मोटर व्हीकल, इन द सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इज सच मोटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस चीज को जरा समझना, किसी ने एक्को से गाड़ी ली है, एक्को 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 सुना है तुमने, क्या नाम है इसका, एक्को ही नाम है ना, ये जिसका ऐड आता है बहुत, तो एक्को पे रेट चेक करा क्या, किसी ने ली है एक्को से गाड़ी? हाँ नहीं सर, अब की बार जब गाड़ी लेना तो एक बार एक्को पे ट्राई करना। अब ये क्या है कंपनी, ये कोई गाड़ी बेचती है? आंसर इज नो, ये कोई गाड़ी नहीं बेचती, ये कंपनी कोई गाड़ी नहीं बेचती भाई, ये तो एक इंश्योरेंस कंपनी है मेरे हिसाब से, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। और ये इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि गाड़ी मेरे से लो, मैं तुम्हें सस्ते दिलाऊंगी। मैंने कहा भी ऐसा क्या मैटर है, तो मैंने इस बार क्या करा, अपनी जो गाड़ी ली इको स्कूल के लिए, मैं एक्को से ली, मैंने पहले इसका साइंस समझा, मुझे जो डीलर था जहाँ से मैं गाड़ी ले रहा था वो मुझे 7,20,000 से कमी नहीं दे रहा, कह रहा भाई ऑन रोड प्राइस 7,20,000 पड़ेगा, उसके अंदर उसने मेरा इंश्योरेंस भी करना था, इंक्लूड था इंश्योरेंस। मैंने कहा मैं तेरे से इंश्योरेंस नहीं कराता, कह रहा नहीं भाई इंश्योरेंस तो मैं ही करा के दूंगा, क्योंकि मैं बिना इंश्योरेंस के तुझे गाड़ी नहीं बेच सकता। तो ठीक है, तो मैंने पूछा उससे कि भाई क्या मैटर है, तो उसने बोला 6,90,000 रुपये, 6,90,000 रुपये गाड़ी के और 30,000 रुपये इंश्योरेंस के, तो 7,20,000 की। अब जब मैंने एको वाले पे बात करी, उसने मुझे बोला मैं गाड़ी दिलवा दूंगा तुम्हें 7,10,000 रुपये। मैंने कहा भाई 10,000 रुपये की गाड़ी सस्ती मिल रही है, क्योंकि ये तो रेट कम ही नहीं कर रहा था, तो मैंने इससे बुक कर ली। तो जब मैंने इससे बुक कर ली तो इसने क्या बोला कि भाई देख
मुझे तो मेरे इंश्योरेंस के 20,000 रुपये लगते थे और 6,90,000 रुपये की पेमेंट जहाँ से तूने गाड़ी देखी थी उसे ही पे करते। उसने एक डीलर दे दिया और 6,90,000 की पेमेंट उसे करा दी। तो असलियत में इस कंपनी ने क्या बेचा? सिर्फ इंश्योरेंस। असलियत में इस कंपनी ने क्या बेचा? सिर्फ इंश्योरेंस। इसने और कुछ नहीं बेचा। तो जब अब मुद्दा ये आया, अब मान लो अगर ये कंपनी जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में, दो तरीके के इंश्योरेंस होते भाई, एक लाइफ इंश्योरेंस एक जनरल इंश्योरेंस, तो ये कंपनी जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में है, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मोटर और व्हीकल, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां ऐसे इंश्योरेंस में, तो क्या उन्हें ITC मिलेगा इंश्योरेंस का या नहीं? बोलो बोलो। हाँ जी, ITC मिलेगा। आंसर इज यस, आंसर इज यस, ठीक है ना, क्योंकि इनका बिजनेस ही यही है, क्योंकि इनका बिजनेस ही यही है। अगर कोई कंपनी, आप मारुति के पास जा रहे हो और मारुति ने क्या करा, अब मारुति भी क्या कर रही है, मारुति ने क्या करा, ICICI वाले से टाई अप कर लिया कि भाई तू मेरे को बिल काट के देगा और मैं कस्टमर को दूंगी, तो अब क्या उसे उसका ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज यस, आंसर इज यस, ठीक है। तो ये वाली क्लोज उनके लिए बनाई गई, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है गाड़ी बना रहा है, वो भी तो गाड़ी की रिपेयर करवा सकता है ना भाई, वो भी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा सकता है, क्या उसे मिलेगा? आंसर इज यस, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस किस को ITC मिलेगा इन चीज़ों का? उस गाड़ी के मैन्युफैक्चरर को, और अगर कोई जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में है तो, ठीक है ना। तो सर इन रिलेशन वाला कंसेप्ट क्या था? इन रिलेशन वाला कंसेप्ट क्या था कि किसे नहीं मिलेगा? मैं कपिल जैन गाड़ी ले आया, ITC नहीं मिलेगा। मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ गाड़ी का, नहीं मिलेगा। मैं रिपेयर करा रहा हूँ, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही रिपेयर किसने कराई, वही रिपेयर किसने कराई, मैन्युफैक्चरर ने, उसे मिल जाएगा। वही इंश्योरेंस किसने कराया, मारुति वालों ने कराया, तो उन्हें मिल जाएगा। क्योंकि मारुति वाला यहाँ पर किस चीज़ के बिजनेस में, मारुति वाला फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल के बिजनेस में, लेकिन कई बार उसे इंश्योरेंस अपने नाम पे लेना पड़ता है, समझ में आ रही है। तो इसलिए वहाँ पर उसे इंश्योरेंस का भी ITC मिल जाएगा। क्लियर हुई है कहानी या नहीं? बोलो क्लोज ए, बोलो क्लोज ए, क्लोज डबल ए और ए बी, ये तीन क्लोज क्लियर हुए या नहीं? बोलो ये तीनों क्लोज क्लियर है? बोलो भाई फटाफट से बोलो, जल्दी बोलो भाई। यस सर, ये क्लोज क्लियर है। अब ये क्लोज क्लियर है तो एक तुम्हारा बड़ा बर्डन टल गया, क्योंकि गाड़ियों को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन थी। अब मेरे से गाड़ियों के रिस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन मत पूछना, अब मेरे से गाड़ियों के, ठीक है ना, ठीक है। अब रचना जी को तो वैसल पे पड़ा है, जैसे इन पे ना कल ही माल्या का फ़ोन आने वाला है, बताओ ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं CA अटैम्प्ट ना पहली बार में पास कर गया, उसका एक रीज़न था। मैं क्या करता था, जो क्वेश्चन मुझे लग जाता था कि वो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, दूर दूर तक नहीं आएगा, मैं कभी उसे नहीं पढ़ता था। और मेरे जब एग्ज़ाम हुए उसमें वो आया भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब यार रचना जी कह रही, नहीं पढ़ना पूरा है, ठीक है ना, पढ़ना पूरा है सर, वैसल्स का भी बताओ, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा समय कहूँगा, जब भी आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय, ठीक है ना, ये कैटेगरी ज़रूर करो कि जो हमारे ज़्यादा काम की चीज़ें हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। जो कम काम की चीज़ें वो जब केस आएगा तब देख लेंगे। हाँ, तो अब दोबारा, अब जैसे दोबारा क्वेरी आई, अब मैं दोबारा पढ़ूंगा। मैंने अभी तक कितना पढ़ा था वैसल का, कि जितना मैं तुम्हें पढ़ाना है उतना ही पढ़ा था। अब फिर रचना जी की क्वेरी आई तो अब दोबारा पढ़ूंगा। क्या लिखा हुआ है, वैसल्स बी फॉर पैसेंजर के लिए यूज़ करेंगे तो ITC मिलेगा। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर वैसल्स को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए अगर यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ITC मिलेगा। मुंबई गोवा वालों को तो पता ही होगा, ठीक है ना, कि अगर उन्होंने पानी का जहाज़ लेके पैसेंजर को इधर से उधर लेके जा रहे हैं, अंडमान वालों को पता होगा, उसका ITC मिलेगा, ठीक है ना जी। क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कोई भी मन में। कॉन्ट्रैक्टर को मोटर व्हीकल की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ITC मिलेगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर? अब फिर इन्होंने वही क्वेश्चन कर दिया कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कौन सी मोटर व्हीकल है।
अरे भाई अगर कॉन्ट्रैक्टर है और उस पर मोटर व्हीकल है गुड्स के लिए तो ITC मिलेगा, हम किसके ITC की मना कर रहे हैं? पैसेंजर वाले के। क्लियर है शोभा वर्मा? चलो आ जाओ। अब आगे जब मैं चलूँगा उसके बाद मेरे से कोई मोटर व्हीकल का क्वेश्चन ना पूछ ले, ठीक है? अब रचना जी ने एक क्वेश्चन और पूछ लिया, इनसे डबल फीस लो भाई, ठीक है ना? हायर पर लेकर चलाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, ठीक है ना? अब ये कह रहे सर हायर पे लेकर, हमने गाड़ी लेकर हायर पे चलाई और रिपेयर करवाते, कौन सी गाड़ी चलाई, ठीक है ना? कौन सी गाड़ी चलाई? अगर आप हायर पे कमर्शियल गाड़ी ही ले रहे हैं और उसे चला रहे हैं तो क्या आप ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर के बिज़नेस में आ गए या नहीं आ गए? आंसर इज यस। और जब आप उसके बिज़नेस में ही आ गए तो आपको उसका ITC मिलेगा, ठीक है जी? कोई डाउट? तो आप क्वेश्चन को जितना घुमा ले, कितना भी कर ले, आंसर निकलेगा लो से ही, ठीक है? कमर्शियल नंबर टेकन इन बाइक विल यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इनपुट विल बी अलाउड। अब प्रिंस जी का अगला क्वेश्चन कि सर मैंने ना ट्रांसपोर्टेशन में कमर्शियल नंबर ले लिया बाइक में, ठीक है ना? ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन में मैंने कमर्शियल नंबर ले लिया, तो भाई आपने कमर्शियल नंबर ले लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में यूज़ कर रहे हैं? तो भाई मेरे हिसाब से तो मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है। आपकी टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, और किस चीज़ की होनी चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की, ठीक है? तो यहाँ पे एक वर्ड और ध्यान रख लेना, मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। समझ में आई? ठीक है कि आप ITC लेके टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं। चलो हो गया गाड़ियों का ख़त्म, आगे चले। अब ये कह रहा है क्रेन में मिलेगा इनपुट। अब कौन सी क्रेन खरीद रहा है भाई? ये मट्टी ढोने वाली कौन सी ले रहा है? हाँ मट्टी ढोने वाली ले रहा है, कौन सी ले रहा है? तो भाई वो उसमें पैसेंजर आता है क्या कभी? हाँ पैसेंजर का ही तो ब्लॉक करा है मैंने, अविनाश कुमार जी। हाँ बोलो भाई, क्रेन में मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो बोलो सर, क्रेन में पैसेंजर को ढोते हैं क्या करते हैं? तो मिलेगा, ठीक है? हाँ और कोई घर में एक 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 की क्वेरी आई है, सर मैं अपने बेटे के लिए ना कार लाया हूँ मेले में से खरीद के, उसका मिलेगा? हाँ सर, आर्मी वालों के टैंक खरीदे, आर्मी ने अपने टैंक खरीदे, उसका मिलेगा सर? हाँ पूछ लो जो मर्जी पूछ लो, ठीक है? हाँ ट्रैक्टर का भी पूछ लो, ठीक है ना? समझ आ गई? चलो चले आगे चले। सर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर में 13 सीटिंग कैपेसिटी थोड़ी देखे। हाँ ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर में मत देखो कुछ भी, जब वो आप ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर कर रहे हो तो उसमें तो चाहे 5 हो चाहे 6 हो कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। प्रोप्राइटरशिप में अगर कोई 2-व्हीलर और 4-व्हीलर ले अगर कंपनी के नाम पर, वही राम नारायण जी पढ़ाया लिखाया, कितनी देर पढ़ाया मैंने वाला टॉपिक, ये मैंने टॉपिक पढ़ाया कितनी देर हो गई भाई क्लास को चले गए? हाँ फिर उसके बाद कह रहे है ना, बाकी लोग बताओ भाई, बाकी लोग बताओ, 1 घंटा पढ़ाया फिर उसके बाद क्वेरी वही है ना, उसके बाद फिर क्वेरी वही है, ठीक है ना? हाँ देखो अब बाकी लोगों ने आंसर दे दिया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला कि कम पढ़ाना अगर, ठीक है ना, जब तक 2 महीने है ना तेज़ आवाज़ में नहीं पढ़ाना, ठीक है ना? हाँ हाँ आप बता देते मुझे राम नारायण जी, आप आउट ऑफ स्टेशन हो, मैं वहीं आके पढ़ाता, कहाँ पर हो? वहीं पढ़ा दूँगा आगे, ठीक है ना? टेंशन मत लो, अब आगे चले। चलो हाँ ये देखो ये, ठीक है, जब भी कोई आउट स्टेशन हो छुट्टी पे हो बता दिया करो, अपने घर का एड्रेस दे दो मुझे, मैं वहीं आ जाऊँगा, है ना? वहीं पढ़ा दूँगा, ठीक है? टेंशन नहीं, चलो आगे चले। अब गाड़ी क्लियर हो गया, गाड़ी व्हीकल क्लियर हो गया, सब एंगल से क्लियर हो गया? हाँ सर सब एंगल से हो गया, अब मत पूछना, है ना थोड़ी सी कृपया करना भगवान की, है ना? पता चले सारे घंटे इसी में लग जाए, आगे फिर कुछ रहे ही ना, ठीक है ना? चलो
अब आगे चलते हैं। अब जैसे इन्होंने गाड़ी का, जैसे अब इन्होंने, अब ये कह रहे कैश वैन का नहीं बताया तुमने, अब तुम बताओ कैश वैन का मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम ही लोग बोलो, मैं तो तुम्हें पढ़ा चुका, सब लोग कह रहे मिलेगा, ठीक है ना। कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट, ठीक है ना। नहीं अब ये कह रहे हैं ज्योति जी वो उसका बिजनेस है, उससे मैटर नहीं करता क्यों मिलेगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के लिए नहीं है, समझो, कैश वैन ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के लिए नहीं है। नहीं ये नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए नहीं है, समझ में आया, गुड्स की बात नहीं आती यहाँ पर, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए नहीं है, गुड्स के लिए है या नहीं हमें नहीं पता, ठीक है ना। और मान लो क्रेन का था, क्रेन में बोल देते कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स होते ही नहीं क्रेन से, क्रेन से क्या होता है, क्रेन से कोई ट्रांसपोर्ट थोड़ी होती है चीज़ें, क्रेन से तो खुदाई वगैरह होती है, ठीक है। तो वर्ड्स पे ध्यान देना रचना जैन जी, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ आगे। अब इन्होंने क्या करा कि ऊपर तो पहले गाड़ी का बड़ा ITC था, वहाँ ब्लॉक कर दिया। अब इन्होंने कहा छोटी छोटी बहुत चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बहुत चीज़ें होती हैं, हम उसका भी ITC नहीं देंगे, हम उसका भी ITC नहीं भेज देंगे। जैसे सलमान खान है, ठीक है ना, शाहरुख खान है, शाहरुख खान की उम्र कितनी हो गई, कितनी हो गई शाहरुख खान की उम्र, पता है किसी को, 50 साल हो गए। अब वो एक मूवी बना रहा है दिलवाले दुल्हनिया वापस कर जाएंगे, ठीक है ना। अब दिलवाले दुल्हनिया वापस कर जाएंगे में वो कितने साल का बना रहा है, कह रहा मैं काजोल को लेके गया था दिलवाले दुल्हनिया में जब मैं 22 साल का था, अब मैं 30 साल का हो गया हूँ तभी मैं वापस करके जा रहा हूँ इसे, 8 साल बाद ही परेशान हो गया मैं वापस कर जा रहा हूँ, तो 30 साल का रोल निभा रहा है। तो अब उसने क्या करा, अपने मेकअप आर्टिस्ट से बोला कि 30 साल का दिखना चाहिए हमें, उन्होंने कहा साहब दिख जाओगे 30 साल के, 5 लाख रुपए लगेंगे, 30 साल के दिख जाओगे, 5 लाख रुपए लगेंगे, तुम्हारे चेहरे को ऐसा कर दूंगा एकदम से 5 लाख रुपए। उसने कहा कोई बात नहीं, 5 करोड़ रुपए डायरेक्टर से फीस मिल रही है, 5 लाख रुपए तू ले ले, ठीक है। सेम ऐसे ही सलमान खान ने, ठीक है ना, सलमान खान एक मूवी बना रहा है, ठीक है ना, उसने एक मूवी बनाई थी ना मैंने प्यार किया, ठीक है ना। अब वो बना रहा है मैंने प्यार किससे किया, ठीक है ना। अब वो जो मूवी बना रहा है वो कह रहा है भाई 50 साल का नहीं दिखना चाहिए, 25 साल का एकदम, ठीक है ना, दिखना चाहिए मैं। उसने कहा 5 लाख रुपए लगेंगे दिखा दूँगा, इन्हें फीस मिलेगी 5 करोड़, ये 5 लाख दे देंगे। तो जो इनका मेकअप करता होगा उस पर तो GST नंबर होगा या नहीं होगा, होगा उस पर GST नंबर या नहीं होगा, बोलो। हाँ होगा सर GST नंबर उन पर, अब वो इन्हें बिल करेंगे। अब बताओ सलमान खान और शाहरुख खान को ITC मिलेगा या नहीं, सलमान खान और शाहरुख खान को ITC मिलेगा या नहीं, जॉर्ज जी कह रहे नहीं मिलेगा, सुनील शर्मा कह रहे मिलेगा, उमाकांत चौरसिया जी कह रहे मिलेगा, मनोहर मेहरा कह रहे नहीं मिलेगा, ये कह रहे, आयुब सुरती जी कह रहे प्रूव कर दो बिजनेस के लिए, रचना कह रही है नहीं मिलेगा, प्रिंस कह रहे मिलेगा, गीता पैटल कह रही है नहीं मिलेगा, राघव कह रहे नहीं मिलेगा, महेंद्र कह रहे नहीं मिलेगा, मतलब कुछ लोग कह रहे नहीं मिलेगा। तो मैंने पहले ही क्या बोला था क्लास शुरू होने से पहले, शुरू के 10 मिनट तुम्हें तोते की तरह समझाया था कि ये मत पूछना बिजनेस है नॉन बिजनेस है, फिर ये पूछना कि ये 17-5 में ब्लॉक है या नहीं। अच्छा जो लोग कह रहे हैं मिलेगा वो एक क्वेश्चन का जवाब और दे दे, ठीक है ना। मैंने अभी अपनी मार्केटिंग टीम से बोला कि मैंने कहा भाई साहब ये जो है हमारी क्लासें कम क्यों बिक रही हैं, तो उन्होंने बोला सर आपकी ना शकल जो है ना थोड़ी काली आ रही है, ये लोग ना रात में ना आपका ये सेशन देखते हैं तो सब स्क्रीन काली हो जाती है लाइट बंद करके, तो कह रहे आप गोरे हो जाओ। मैंने भी उसे फ़ोन करा सलमान खान वाले को, मैंने कहा यार एक बैच के लिए ना गोरा होना है, कितने रुपये लेगा, कह रहा 1 लाख रुपए लूँगा। मैंने कहा कर दे गोरा, अब ये जो बैच की रिकॉर्डिंग करूँगा अगले तो गोरा होके करूँगा, अब पहले मुझे बताओ मुझे ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब सलमान शाहरुख का छोड़ो, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कह रहा आपको नहीं मिलेगा, सलमान शाहरुख को मिल दिलवा रहे हो,
सलमान शाहरुख को दिलवा रहे और मुझे नहीं दिलवा रहे, बड़ी ना इंसाफी है भाई। देखो वो भी पिक्चर बना रहा है, मैं भी पिक्चर बना रहा हूँ। वो 3 घंटे की बना रहा है, मैं 100 घंटे की बना रहा हूँ। अगर उसे मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा। अब ये तो पता ही नहीं है कि कपिल जैन जो ये मेकअप करा रहा है, सलमान खान जो ये मेकअप करा रहा है, ठीक है, ये कैटरीना के लिए करा रहा है, अपनी शादी के लिए करा रहा है या फिल्म के लिए करा रहा है, प्रूव कर सकते हो? और जब वो प्रूव ही नहीं कर सकते तुम, इन्होंने कहा क्या करवाना है प्रूव करके, क्या कराना है प्रूव करके, हम ITC देंगे ही नहीं, हम ITC देंगे ही नहीं। इसने कहा 17-17-5 जब शुरू हुआ था कि क्या बोला था इसने, कहता है नॉट विद स्टैंडिंग अंडर सेक्शन 16(1), कहता जहाँ पे बिजनेस की बात थी मैं तो उसे ओवर रूल ही कर रहा हूँ। वो कह रहा है जो बिजनेस पर्पज है उसे तो मैं ओवर रूल ही कर रहा हूँ। अब मेरे पास, ठीक है ना, प्रमोद पांडे आ गए, ठीक है ना, कह रहे सर मेरी ITR भर दो। मैंने कहा ठीक है भर दूंगा। अब ये लंच के टाइम आ गए मेरे पास, पहली बात किसी के ऑफिस में ना 1 से 3 में कभी मत जाएगा, ये आ गए मेरे पास 1:30 बजे ITR भरवाने। अच्छा मेरा लंच का टाइम था, अरे मैंने पूछ लिया, मैंने कहा खाना खाओगे, कह रहे हाँ खाऊंगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब आदमी है कि, और साथ में क्या कहने लग गए, हीरा स्वीट से मंगाना स्पेशल वाली थाली। मैंने कहा अच्छा, अब मैंने हीरा स्वीट से ही नहीं स्पेशल वाली थाली मंगाई 250 रुपये, GST नंबर दिया। अब ये मेरे से जो ITR भरवा रहे थे उसके मुझे देते थे 200 रुपये फीस, पिछले साल 200 दी थी। अब वो थाली जैसे इन्होंने खाई मेरी 250 रुपये वाली, तो मैंने अपनी फीस बताई 3,000 रुपये। अब प्रमोद पांडे जी ने 3,000 फीस दी होगी या नहीं दी होगी मुझे, बोलो? प्रमोद पांडे जी ने मुझे मेरी फीस दी होगी 3,000 या नहीं, बोलो? प्रिंस कह रहे नहीं। अरे यार यही तो तुम नहीं समझते, इन्होंने दी। क्यों दी? मनोहर मेहरा जी ने कह रहे दी। क्यों दी? क्योंकि इन्होंने मेरा नमक खाया था, ठीक है, तो नमक खाया तो फीस दी। अब वो जो 250 रुपये की जो थाली है, क्या मुझे उसका ITC मिलेगा? क्या मुझे ITC मिलेगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो इन्होंने क्या बोला, भाई देखो खाने पीने का कोई ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग बाग खिलाएंगे अपनी बीवी बच्चों को, गर्लफ्रेंड को, कहेंगे क्लाइंट को खिलाया। आउटडोर कैटरिंग का कोई ITC नहीं देंगे, करेंगे अपने बच्चों की शादी, कहेंगे हमने आउटडोर कैटरिंग करी। ब्यूटी ट्रीटमेंट, मेकअप कराना, ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना, कुछ भी हो, हम उसका किसी का भी ITC आपको नहीं देंगे। हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस का कोई ITC नहीं देंगे। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, अगर आपने कोई कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी कराई, अपना चेहरा चेंज करवाया, कोई ITC नहीं देंगे। लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, कोई गाड़ी किराए पे ली, रेंट पे ली या हायर करी मोटर व्हीकल, उसका भी कोई ITC नहीं देंगे। क्लियर है? बोलो, अगर ये गाड़ियाँ तुमने ली थी उसी पर्पज के लिए किराए पे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। लाइफ इंश्योरेंस का कोई ITC नहीं और हेल्थ इंश्योरेंस का कोई ITC नहीं। यहाँ तक बात समझ आई है भाई साहब? ऑफिस टी स्नैक्स किसी को भी दिया हो कोई ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फूड एंड बेवरेजेस में आता है, वो फूड एंड बेवरेजेस में आता है, ठीक है ना। तो अगर आपने अपने P&L में कोई ऐसा खर्चा डाला हुआ है तो आपको उसका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले क्लोज में इन्होंने ये लिखा, यहाँ तक